बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फेडरल बोर्ड का आज सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो आप देख सकते हैं कि तीन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है फेडरल बोर्ड के अंदर, जिसमें पहले नंबर पर उमर मकसूद जिन्होंने 1098 मार्क्स हासिल किए, फिर उसके बाद उज़ैर इरफान और उसके बाद महीन खालिद। ये फ़र्स्ट थ्री बच्चे हैं जिन्होंने 1098 मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद मोइज़ा जाहिद ने जो है 1094 मार्क्स हासिल करके सेकंड पोजीशन हासिल की है, ठीक है। तो अब इन तीन चारों बच्चों को मुबारकबाद हो, और जिनका भी रिज़ल्ट आया ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट आया है और जिनके कम मार्क्स हैं उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखें, आगे अपनी स्ट्रगल अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें, आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में दाखिला लें, अपनी मेहनत को ना छोड़ें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। तो ये फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट था। अब 30 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट आएगा 12वीं क्लास का पंजाब बोर्ड का, ठीक है। तो पंजाब बोर्ड का इसी चैनल के ऊपर हम लाइव चेकिंग करेंगे रिज़ल्ट की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कोई भी आपका मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं बच्चे पूछ रहे थे बार बार, वो लाजमी होंगे, ठीक है। जिन्होंने जो एब्सेंट थे ना, जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तो अब वो तो क्या करें, क्या उनका साल ज़ाया होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम आगे होंगे नवंबर के अंदर, ठीक है। तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं जो एब्सेंट थे इन एग्ज़ाम्स के अंदर। तो स्पेशल एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।